करती हूँ आप सभी का लाइव के भी समाचार लोकतंत्र की आवाज में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। भागलपुर में अवैध बालू लदे ट्रक चालक से वसूली करते पुलिसकर्मी कैमरे में कैद। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात बोले, जांच उपरांत दोषियों पर होगी कार्रवाई। भागलपुर बिहार की नीतीश सरकार भले ही बालू के अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दे, लेकिन कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी और माफिया के बीच की मजबूत गठजोड़ इन सारे प्रयासों पर पलीता लगाने के लिए काफी है। इसी कड़ी में एक बार फिर भागलपुर में दाउदवाट मोरपुर मुख्य मार्ग पर बायपास के समीप हबीबपुर थाना की पुलिस का ध्वस्त चेहरा ओवरलोडेड बालू लदे ट्रैक्टर चालक से वसूली करते कैमरे में कैद हो गई। यह वीडियो पिछले 31 अक्टूबर की है, जब अहले सुबह 6 बजे के करीब बाईपास के समीप ओवरब्रिज के नीचे हबीबपुर पुलिस की गश्ती टीम में शामिल एक जवान ओवरलोडेड अवैध बालू लदे ट्रैक्टर चालक से कुछ पैसा लेकर उन्हें बेधड़क बिना किसी रोक टोक के जाने के लिए इशारा कर रहा है। वहीं पास में अन्य पुलिसकर्मी वहां से गुजरने वाले सभी ओवरलोडेड ट्रैक्टर को रोक कर कार्यवाही करने के बजाय उसे रोक कर पैसा देने के लिए कह रहे हैं। वहीं पुलिस गश्ती का नेतृत्व कर रहे सहायक अवर निरीक्षक उपेंद्र तिवारी थाना की गश्ती गाड़ी में बैठा कर बैठ कर वसूली के सारे खेल को बड़े ही आराम से देख रहे थे। अवैध बालू के काले खेल में लग चुके हैं पुलिस के कई आला अधिकारी। अवैध बालू के काले खेल में अभी कुछ महीना पहले ही पुलिस के कई आला अधिकारी लग चुके हैं। एपीएस रैंक के अधिकारी समेत डीएसपी और दरोगा पर कार्यवाही हो चुकी है। बावजूद इसके भागलपुर की कुछ पुलिस पूर्व में हुई कार्यवाही से सबक लेने की वजह ऐसे काले कमाई को इकट्ठा करने में लगी हुई है। अब देखना यह है लगा। हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।